Hello dear students, my name is Karan Srinath. Welcome back to the channel. Today we are going to start a new chapter that is work, power and energy. आज मेरी भी एनर्जी ज्यादा है क्योंकि आज अपन स्टार्ट करने वाले जो चैप्टर हैं, this is the last chapter of our syllabus. This is the last chapter of the syllabus of this session 2020 and 21. मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है what is the syllabus for the 9th class. ये ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा और अगर किसी ने डाउनलोड करनी है पीडीएफ फाइल ऑफ आर सिलेबस ऑफ दिस सेशन तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज गो चेक इट आउट, उसको डाउनलोड कर लीजिए. आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर वर्क पावर एनर्जी. सो प्लीज हेडिंग लगाइए, चैप्टर का नाम लिखिए. चैप्टर है हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी. ठीक है, आज अपन सिर्फ एक टॉपिक करेंगे, एक कॉन्सेप्ट करेंगे, वो है वर्क. ठीक है, वर्क देखो क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में बोलें तो वर्क क्या होता है, काम. बट इन द केस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में जब अपन बात करते हैं वर्क और वर्क डन कि काम हो चुका है, काम कब होता है, क्योंकि देखो यार अपन फिजिक्स में बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, अपन बात करते हैं मोशन की. ठीक है, रेस्ट की, मोशन की, ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट और ऑब्जेक्ट इन द मोशन. अब ध्यान से सुनो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन फोर्स लगाएं एंड उसकी पोजीशन डिस्प्लेस हो जाए तो अपन बोलते हैं कि काम हो गया, वर्क इज डन. अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है बहुत भारी है, एक ट्रक है, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, धक्का लगा रहे हो, बट उसकी पोजीशन डिस्प्लेस नहीं हो रही, वो हिल ही नहीं रहा, तो हमने फोर्स तो लगाई बट उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ, हिला ही नहीं, तो अपन बोलेंगे कि वर्क कितना हुआ, वर्क हुआ ही नहीं, तो वर्क कितना हुआ, जीरो. ठीक है, दिस इज द केस ऑफ वर्क इन फिजिक्स. अब ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूं, अगर अपन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए देन वी कैन से द वर्क इज डन. तो प्लीज डेफिनेशन लिखते हैं अपन वर्क की. ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि डेफिनेशन नहीं याद करनी, क्या याद करना है, फॉर्मूला. इसमें फॉर्मूला है, हाँ जी है. पहले अपन फॉर्मूला डिफाइन करते हैं. वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड इट गेट एन ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड. ये है हमारा वर्क का फॉर्मूला. वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मीन्स फोर्स, और एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट. लिख देता हूं वर्क डन, या सिंपली भी वर्क लिख देते हैं कोई बात नहीं. ये क्या है, फोर्स, एंड एस क्या है, डिसप्लेसमेंट. ठीक है, अब इस फॉर्मूले के ऊपर अपन डेफिनेशन लिखते हैं. वर्क इज सेड टू बी डन, देखो वर्क इज सेड टू बी डन. ठीक है, वर्क कब बोलेंगे कि वर्क हो गया, व्हेन force is applied, a certain force is applied, when force is applied, किसके ऊपर force apply करेंगे, object के ऊपर, when force is applied on an object, ठीक है, object के ऊपर force apply करी, and it get displaced, ठीक है, और वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो जाता है अपनी पोजीशन से. रेस्ट में अगर था तो मोशन में चला जाएगा, ठीक है, रेस्ट में था तो मोशन में चला जाएगा, इट गेट डिस्प्लेस्ड. ठीक है, तो होगी जी डेफिनेशन, ये था हमारा फॉर्मूला, ये होगी डेफिनेशन ऑफ वर्क. ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस. और आपको यह भी पता है जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सिलेबस में होती हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हम डिफाइन करते हैं उनके कुछ ना कुछ एसआई यूनिट्स होते हैं, उनको मेजर करने के लिए कुछ यूनिट होते हैं, दीज आर कॉल्ड द एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट. तो वर्क के भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होंगे, हाँ जी होंगे. तो वर्क के स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वर्क डन के स्टैंडर्ड यूनिट है जी जूल, जे ओ यू एल ई. कुछ अनपढ़ लोग इसको जाउल भी पढ़ते हैं बट अपन इसको जाउल नहीं बोलना, जूल बोलना है. ठीक है, जूल एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने स्टडी वगैरह की थी, उसके नाम के ऊपर इसके यूनिट्स रखे हुए हैं. ठीक है, वर्क डन के यूनिट्स क्या है, जूल. ठीक है जी, फोर्स के यूनिट क्या है, अपन ने फोर्स वाले चैप्टर में फोर्स के यूनिट डिफाइन करे थे, क्या थे, न्यूटन. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट के ऐसे यूनिट क्या होते हैं, क्या होते हैं जी, मीटर.
है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सही यूनिट्स मीटर, तो जूल क्या हो गया, न्यूटन मीटर। तो इसको डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन करते हैं एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू जूल, ये अपन को पता लग चुका है। और इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, यहां पर लिख देता हूं, वन जूल इज द वर्क, ठीक है, वन जूल क्या है, इट इज द वर्क, वन जूल क्या है, इट इज द वर्क। जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जब भी अपन को डेफिनेशन लिखनी है, वी विल राइट द डेफिनेशन फ्रॉम द फॉर्मूला। जूल क्या है, दिस आर द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। न्यूटन क्या है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। मीटर क्या है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वन जूल को अगर अपन डिफाइन करेंगे तो वन न्यूटन और वन मीटर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, वन जूल इज द वर्क डन, इज द वर्क डन व्हेन, कब कब होगा वर्क डन, व्हेन वन न्यूटन ऑफ फोर्स, वन न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, वन न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड किसके ऊपर, ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट गेट डिस्प्लेस्ड बाय, कितनी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, वन मीटर, इट गेट डिस्प्लेस बाय वन मीटर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वन जूल। आपने क्या करना है, आपने डेफिनेशन नोट डाउन करनी है वर्क की, आपने फॉर्मूला नोट डाउन करना है वर्क डन का, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन द दिस वन जूल कितना होगा, वन न्यूटन इंटू वन मीटर, उसके ऐसे यूनिट्स वर्क डन के क्या है, जूल, जूल की डेफिनेशन, ठीक है। प्लीज नोट इट, नोट दिस डाउन ऑन योर नोटबुक, जल्दी हरी अप नोट कर लीजिए इसको अपनी नोटबुक के ऊपर, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी हो गया, ओके इरेज कर दूं, ओके जी। अब देखो, वर्क तो अपन को पता चल गया, वर्क डन भी पता चल गया, ठीक है। वर्क डन में एक टॉपिक है हमारा जो कि इंपॉर्टेंट है, दिस इज द टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, देखो टाइप्स ऑफ वर्क, कि वर्क डन कितने टाइप्स का होता है। सर वर्क डन भी की भी टाइप होती है, हाँ जी वर्क डन की भी टाइप होती है, हमारे सिलेबस में है। आप अगर बुक खोल के देखोगे दिनेश वाली, आप अगर बुक खोल के देखोगे एस चांद वाली, या कोई भी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में शायद ये टॉपिक नहीं दिया हुआ, बट ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्क। तीन तरह के वर्क्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मैं आपको अच्छे से जल्दी से एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में वर्क होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में वर्क होगा। इसका मतलब जो फोर्स है, दिस इज द बेस्ड अपॉन डायरेक्शन, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में वर्क होगा। क्या ये जरूरी है, नहीं ये जरूरी नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो यार, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपन ने कार को पीछे से धक्का लगा दिया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। फोर्स अपन ने लगाई इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पहले थी उसी डायरेक्शन में अपन ने अगर फोर्स लगाई तो वर्क डन होगा पॉजिटिव इन द डायरेक्शन, ठीक है। और सेकंड केस नेगेटिव कब बोलेंगे, कि जिस डायरेक्शन में कार आ रही थी, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस पहले हो रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर अपन ने फोर्स लगाई, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा था और अपन ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, धीरे 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 ये स्लो डाउन हो जाएगा, मोशन में था धीरे 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 ये रेस्ट में चला जाएगा, ठीक है। इट मींस व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन नेगेटिव डायरेक्शन, फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दी तो अपन बोलेंगे कि वर्क डन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में अपन ने, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाई तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव,
ठीक है, ये आपको अच्छे से आई थिंक समझ आ रहा होगा। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में फोर्स, तो पॉजिटिव। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वर्क नेगेटिव, और एक और जीरो। जीरो होगा जब अपन फोर्स तो लगाई जा रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। जब अपन फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स तो अपन ने बहुत सारा लगाया बट डिस्प्लेसमेंट की अगर वैल्यू ही जीरो है तो वर्क डन क्या होगा हमारा? जीरो। ठीक है, मींस व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव तो वर्क क्या होगा? जीरो। ठीक है, दीज आर द थ्री केसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क हो गए पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब मैं जल्दी से आपको रिटन फॉर्मेट में लिख के देता हूं बोर्ड के ऊपर, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट पॉजिटिव वर्क, ठीक है, पॉजिटिव वर्क की डेफिनेशन, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन वर्क विल बी पॉजिटिव। तो वर्क क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। तो वर्क क्या होगा? एफ इंटू एस, बस हो गया। ठीक है, पॉजिटिव होगा। अगर प्लस साइन लिखना है तो लिख दो, अगर नहीं लिखना तो अंडरस्टूड यह है कि ये पॉजिटिव है। सेकंड केस नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट द डायरेक्शन, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ डिसप्लेसमेंट, तो अपन उस केस में बोलेंगे वर्क इज नेगेटिव। तो बोलेंगे कि वर्क क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, होगा एफ इंटू एस ही, ठीक है, बट नेगेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्क विल बी नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड, जीरो, जीरो वर्क व्हेन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स तो अपन अप्लाई करें बट ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, कि ऑब्जेक्ट मूव ही ना, उस केस में डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, दीज आर द थ्री केसेस ऑफ द वर्क डन। प्लीज इसको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लेना। मैं आपको अच्छे से पहले बता देता हूं कि इसमें एक टॉपिक था, यही टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्क, इसमें कुछ कॉस थीटा एंगल के बारे में दिया हुआ है, वो मैं आपको स्टडी नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? बिकॉज दिस दैट इज द नॉट इन अ सिलेबस, वो टेंथ क्लास के मैथ्स में है, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपको यार समझ नहीं आना, हमारे सिलेबस में नहीं है तो करवाएं क्यों? ठीक है, आपको सिंपल सा सीधा सा टॉपिक बताया टाइप्स ऑफ वर्क की, तीन टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो। वैसे अगर आपको देखना है तो बुक में कुछ ऐसा लिखा होगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, एंगल क्या होता है, ये अपन माथा फोड़ी नहीं कर रहे इस बारे में। ठीक है, सीधी सी बात, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक है तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वर्क डन नेगेटिव, अगर नो डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन जीरो। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको, प्लीज नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। ठीक है, ओके, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो प्लीज यू मेक योर नोट्स प्रॉपरली, ये वाली वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक, एंड यू प्लीज स्टे होम स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। माय नेम इज करण सिन्हा, बाय बाय, शब्बा खैर।